वेब दुनिया समाचार में बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। स्टेट बैंक में होगा भारतीय महिला बैंक का विलय। सरकार ने देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय महिला बैंक का विलय करने का निर्णय लिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार हर वर्ग विशेषकर महिलाओं की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के प्रति कटिबद्ध है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। महिलाओं के साथ ही महिला केंद्रित उत्पादों को बड़े नेटवर्क एवं कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए बीएमबी का स्टेट बैंक में विलय किया जा रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक का नेटवर्क बहुत बड़ा है। इस संबंध में जारी बयान में कहा गया है कि बीएमबी ने 3 वर्ष में महिलाओं को 192 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, जबकि स्टेट बैंक ने उन्हें 46,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। स्टेट बैंक की 20,000 से अधिक शाखाएं हैं और वो महिलाओं को कम दर पर ऋण उपलब्ध करा रहा है। स्टेट बैंक के करीब 2 लाख कर्मचारियों में से 22% महिलाएं हैं और उसकी 126 शाखाएं पूरी तरह से महिला शाखा है, जबकि बीएमबी की इस तरह की सिर्फ 7 शाखाएं हैं। बयान में कहा गया है कि सरकार सभी की विशेषकर महिलाओं की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर रही है और इसके लिए कई कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा में महिलाओं को वरीयता दी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष में ऋण लेने वालों में 73% महिलाएं थी। इस बीच रिजर्व बैंक ने कहा कि एसबीआई की 5 अनुशंसी इकाइयों की शाखाएं 1 अप्रैल से एसबीआई की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सरकार के आदेश के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की सभी शाखाएं 1 अप्रैल से एसबीआई की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लक्षित हमलों के नायक मेजर रोहित सूरी कीर्ति चक्र से सम्मानित। उमा भारती ने कहा, अब अलग राज्य नहीं चाहते, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंडी। बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी स्वामी ओम को नहीं मिली जमानत। पाकिस्तान ने कश्मीर में भारतीय पनबिजली परियोजनाओं का ब्यौरा मांगा और ट्रंप बोले, हमें इराक से वापस नहीं आना चाहिए था।